प्रदेश में सीए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर विगत कई दिनों से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इंदौर की बड़वाली चौकी में विगत एक महीने से लोग इस कानून के विरोध में सड़क पर बैठे हुए हैं। वहीं मंगलवार को फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह भी यहां पहुंचे और कहा कि इस देश को आज किसी कानून की नहीं बल्कि एकता की जरूरत है। इस दौरान सुशांत सिंह ने कहा कि जान है तो जहान है, अगर सरकार कानून वापस भी ले ले तो भी इसे जीत या हार से नहीं देखना चाहिए। इसके साथ ही कहा कि देश आजादी के बाद से ही अशिक्षित रहा है, जिसकी जिम्मेदार सभी सरकारें हैं। पढ़े लिखे लोगों को बरगलाना बड़ा मुश्किल होता है, असंभव होता है। समझदार पढ़े लिखे लोगों को कोई भी आकर उल्लू नहीं बना सकता कि देखो आओ लड़ो, हिंदू मुस्लिम, हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है। पढ़े लिखे समझदार लोगों को यूं कोई नहीं बना सकता। हम सब जिम्मेदार है कि हम अपनी अपने देश की एक बड़ी आबादी को अशिक्षित रहने दें। अब लड़ाई लड़नी है जिसको 70 सालों का किया भरा है जो हमको कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए सुशांत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया छोड़ने पर कहा कि मैं बहुत छोटा हूं, उनके निर्णय पर क्या कहूं? भाई देखिए, मैं बहुत ही छोटा आदमी हूं, मैं प्रधानमंत्री जी का विश्लेषण या उस पर क्या कहूं? मैं लोगों से मिल रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं। नफरतें लोगों में फैल रही हैं और लोग ही फैला रहे हैं भाई। वहीं कहा कि नेताओं के भड़काने से देशवासी भड़कते हैं, हमें सोचना होगा किसी के बहकावे में ना आए और देश के खातिर एक हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स, इंदौर।